रेलवे के निजीकरण पर जताया रोष, सौंपा ज्ञापन। स्योहारा। सीआईटीयू के तत्वाधान में आज कार्यकर्ताओं ने रेलवे के निजीकरण पर रोष जताते हुए एक ज्ञापन रेलवे मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक को सौंपा, जिसकी जानकारी देते हुए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीआईटीयू के पदाधिकारी कॉमरेड मुन्नवर जलील ने बताया कि हमने रेलवे को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, को निजी हाथों में सौंपने का इसलिए विरोध किया है क्योंकि इससे आने वाले समय में यात्री किराए में बढ़ोतरी होगी, ही साथ ही माल भाड़े में भी बेतहाशा वृद्धि होगी जिसकी मार केवल आम जन पर पड़ेगी। भारतीय रेल हमारे देश की आमजन की अमानत है, पर भाजपा सरकार इसको कॉर्पोरेट खानदानों को बेचने की योजना बना रही है। इससे पहले भी भाजपा सरकार कई सरकारी महकमों को प्राइवेट हाथों में सौंप चुकी है, जिनका परिणाम दुखद ही सामने आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने वादा किया था कि वो देश व देश की धरोहर की रक्षा करेंगे, पर अब रक्षक ही भक्षक बनकर देश की हर अमानत को बेचने वाला सौदागर बन गया है। इसलिए ही आज रेल मंत्री को पत्र भेजकर रेलवे को बिकने से रोकने की मांग की गई है, साथ ही यात्री ट्रेन भी जल्दी चलाने की मांग की गई है। इस मौके पर नरेंद्र कुमार, वीरेंद्र, सुनील, इसरार, मो आरिफ आदि भी मौजूद रहे। और ये ज्ञापन हमने रेलवे के निजीकरण के खिलाफ दिया है और उसमें ये मांग भी उठाई है कि जो रेलवे, जो मुसाफिरों की रेलगाड़ियाँ बंद पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द चलाया जाए, रेल बेचना बंद किया जाए। मोदी सरकार अपनी कथनी का बिल्कुल उल्टा कर रही है। मोदी जी ने एक मर्तबा कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन वो तो एक एक करके सारी कंपनियां बेच रहे हैं और यहां तक आ गए हैं कि वो हमारा रेलवे, जो दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क, जो निज़ाम है और जो आम जनता के हित के लिए है, उसको भी वो निजी हाथों में दे रहे हैं। और अभी जैसा आया है कि 150 रेलगाड़ियां या 51 रेलगाड़ियां मैं सजे सजाए डिब्बों के साथ वो हिंदुस्तान के सेठों को दे रहे हैं और पूरे रेलवे का निजीकरण करने का उनका प्लान है। ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमने यहाँ राष्ट्रीय आह्वान पर C2 के साथियों ने और किसान सभा के साथियों ने मांग पत्र रेल मंत्री को दिया है और उम्मीद है कि मोदी सरकार रेलवे के निजीकरण से बाज आएगी और रेलवे जो बंद पड़ी हुई हैं मुसाफिर ट्रेनें वो जल्द से जल्द चलाई जाएंगी। हमें ये उम्मीद है।